हेलो एवरीवन, वेलकम टू ममाज कुकिंग। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज की रेसिपी है रोस्टेड चिकन ड्रमस्टिक। तो चलिए बनाते हैं। ये मार्केट में अच्छे से मिल जाता है, लेकिन आज हम इसको अपने घर पे बनाएंगे और वो भी एक पैन में। तो चलिए बनाते हैं। इसके लिए कुछ चीज़ें मैंने यहाँ ली हैं। दो प्याज लिए हैं, 6 से 7 हरी मिर्च लिए हैं, 8 से 10 लहसुन लिया है, जीरा है और 1.5 इंची अदरक लिया है। इस सब चीज़ों को हम एक मिक्सी जार में डाल के और अच्छा सा पेस्ट बना लेंगे। यहाँ मैंने चिकन को अच्छे से धो के साफ करके इसमें कट लगाए हैं। कट लगाने के बाद अब इसमें हम जो पेस्ट बनाया था मसाले का, वो इसमें डालेंगे। कट इसलिए लगाए थे कि सारा मसाला इसमें मिल जाए अच्छे से। 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 2 स्पून धनिया पाउडर और नमक स्वाद अनुसार डालेंगे। यहाँ पे हमने दही 1 बड़ी कटोरी ली है। दही ज़्यादा चाहिए यहाँ पे इसके लिए। और इसमें हम फूड कलर डालेंगे थोड़ा सा। छोटा सा जायफल लेके हम इसमें क्रश कर देंगे और कसूरी मेथी हल्की थोड़ी सी डालेंगे। इस सबको मिक्स करके हम मिला के अच्छे से कवर कर देंगे अच्छे से। मैं यहाँ फॉइल पेपर से कवर करके रख रही हूँ और इसको 2 घंटे के लिए हमको कवर करके 2 घंटे के लिए फ्रिज में मैरिनेट होने रख दें। अब एक पैन लें, उसमें हल्का सा ऑयल लगा लें और इसमें ड्रम स्टिक को लगा दें। अगर आप ओवन में बना रहे हैं तो उसको 160 डिग्री पर 30 से 40 मिनट के लिए इसमें सेट कर दें। अब इसके ऊपर हम हल्का सा ऑयल डालेंगे। और इसे कवर कर देंगे। 5 मिनट बाद हम देखेंगे कि हमारे ड्रम स्टिक हल्के हल्के से पक गए हैं। इसकी पहचान है कि इसने अपनी स्किन छोड़ दी है और थोड़ी जूसी हो जाता है ये पकने पर। इसको हम पलट देंगे और दोबारा से फिर हम इसको कवर कर देंगे। ये देखिए 10 मिनट बाद ये अच्छे से पक के तैयार हो गए हैं और हल्के हल्के रोस्ट भी होना शुरू हो गया है। इन सबको पलटने के बाद हम इसमें हल्का सा ऑयल और डालेंगे। जिससे इसका मसाला जो है नीचे जल नहीं जाए। ये बहुत ही कम तेल में अच्छे से पक जाते हैं। ये देखिए हमारे ड्रम स्टिक तैयार हैं। अच्छे से रोस्ट भी हुए हैं, खाने में भी बहुत टेस्टी होंगे। लीजिए हमारे रोस्टेड चिकन ड्रम स्टिक तैयार हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए, प्लीज़ शेयर और लाइक्स ज़रूर करें।